उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सत्ता के हनक का चौंकाने वाला खेल खेला गया। घटना हजरतगंज इलाके में स्थित बापू भवन चौराहे पर घटी। लाल बत्ती तो गाड़ियों से हटा दी गई है, लेकिन मऊ जिले के बीजेपी विधायक श्री राम सोनकर पर से शायद अभी तक वीआईपी कल्चर का खुमार नहीं उतरा है। विधायक जी सड़क पर गाड़ी से निकलते थे और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी रॉन्ग साइड ले जा रहे थे। तभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम शंकर शाही ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने मेट्रो कार्य का हवाला देते हुए दूसरे रास्ते से जाने को कहा। ये बात विधायक के आंख को ठेस पहुंचा गई, वे गुस्से से लाल हो गए। देश में आकर विधायक ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ ड्यूटी कर रहे होमगार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, विधायक के गुर्गों ने सिपाही पर राइफल भी तान दी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर अपने रुतबे को भारी पड़ता देखने के बाद विधायक श्री राम रॉन्ग साइड से ही आगे बढ़ गए। उसमें से एक गन लिया हुआ था राइफल, आदमी निकल के आया और उसके मोबाइल छीन लिया, गाली गलौज करने लगा। तो ये हुआ, गाली क्यों दे रहे हो आपस में? मैंने होमगार्ड को डाटा, तुम दूर रहो। मैंने कहा आप कायदे से बात करिए, गाली मत करिए। तब तक निकल के वो थप्पड़ मार दिया। विधायक जी निकले, वो भी मैं 91 से विधायक हूँ, तुम जानते नहीं हो, मैं इधर से ही जाऊँगा, जो करना हो कर लो। मैंने कहा सर मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो भी होमगार्ड को निकले, दो थप्पड़ वो भी मार दिए। ज़्यादा स्थिति खराब हो रही थी उसमें, जनप्रतिनिधि उनका सम्मान करते हुए, मैं ठीक है सर आप नियम तोड़ना चाहते हो तोड़िए, मैं रिपोर्ट कर दे रहा हूँ। विधायक की गाड़ी में हूटर लगा हुआ था और शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग किया गया था। ये सरासर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में घटना की शिकायत दी है। विधायक थे मऊ के, ये उल्टा चल रहे थे यहाँ रॉयल होटल से, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था। उसको क्लियरेंस के लिए जो सब इंस्पेक्टर है मेट्रो प्रभारी TSI प्रेम शंकर शाही अपने आदमियों के साथ, सिपाहियों के साथ उनको रोक रहे थे। उस रोकने में इनकी नोकझोंक हुई और हाथापाई की गई, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं लगता। जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें से एक लड़का था, उसने एकदम से हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया तो हम लोगों ने उसको रोका, तो और लोगों ने जो साहब ने रोका और भी जब गार्डों ने रोका तो वो एकदम दो तीन और भी जुट गए, उसमें घूसे ला चलाने लगे। हाँ कह रहे थे कि जो है ज्यादा मत बोलो, ना गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस को बेखौफ होकर काम करने की नसीहत दे रहे हैं। वो अपने मंत्री और विधायकों को नियमों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।